रात में एक यहाँ पे देखिए क्या दिखा, क्या दिखा, देखिए पहला साइट सींग हुआ। वेल सो गाइज वेलकम बैक, दिस टाइम इज 11:30, रात हो गया, जंगल में हम लोग ड्राइव कर रहे हैं डांडली में। एंड देखिए रात में एक यहाँ पे देखिए क्या दिखा, क्या दिखा, देखिए पहला साइट सींग हुआ। एक उल्लू का, सॉरी भाग गया है। सबसे पहले हमें उल्लू दिखा, वी आर ट्राइंग टू सी कि कहाँ का क्या कैप्चर होगा। इट्स वेरी डेंस फॉरेस्ट, पूरी रात हो गई। एक्चुअली हम लोग बहुत एक्सटीरियर में रहते हैं डंडरी डार्क फॉरेस्ट इन में, एंड हमने सोचा कि कहीं तो भाग गया उल्लू, नहीं उड़ गया। हाँ तो रात में हम लोग आए थे कि देखते हैं कुछ अगर फॉरेस्ट में सेफ चल रहा है। हम देख सकते हैं ये रोड है, ये बिजी रोड दिन में रहता है बट रात में काफ़ी शांति हो जाती है। तो हमारे साथ है हमारे यहाँ के एक लोकल है, इज़ फ्रॉम रामनगर। तो रामनगर यहीं पे जो गोवा जाता है, तो उनको ले करके आए हैं। रात का हम लोग का एक बेसिक रूल्स बनाए, नो हॉन्किंग, नो रैश ड्राइविंग, आराम से चल रहे हैं थोड़ा सा। एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर कहीं कुछ जंगल में अगर दिखे जानवर वगैरह तो नाइट लाइफ ऑफ डांडली डार्क फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत डेंस है जंगल जो है। आप देख सकते हैं कुछ भी कहीं भी दिख सकता है कभी भी। आज दिन में भी 2-3 हमें एनिमल्स दिखा था। एंड अभी देखिए मतलब शुरुआत ही अच्छा हुआ, जैसे हम लोग रोड पे आए निकल के प्रॉपर्टी से, वी सॉ एटलीस्ट ऑल, देखे इतना बड़ा। हालांकि हम लोग को देखे उड़ गया, करना नहीं चाहिए, आई मीन शुड नॉट डिस्टर्ब, लेकिन इसलिए हम लोग शांति से जा रहे हैं रोड पे ही। देयर वाज फ्यू ऑप्शन यहाँ पे, हम लोग रात में अंदर जा सकते थे बट वी डिसाइडेड नॉट टू डू दैट, क्योंकि तो अनसेफ है यहाँ पे, काफ़ी अटैक होता है बियर्स वगैरह का। बीच में भी फाड़ दिया था कुछ लोगों को बियर ने इधर वज्रा फॉल्स के पास। देख सकते हैं कैसा सन्नाटा है पूरे जंगल में, एंड सिर्फ हम ही लोग हैं। अगर कुछ दिखता है फिर से तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, तो मैं थोड़ा आराम से चलाता हूँ। पीछे हमारी दो और गाड़ियाँ हैं, टोटल 3 कार से हम लोग आराम से जा रहे हैं। स्पीड आप देख सकते हैं इट्स कितना, 19-20 इसी पे चल रहे हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो कहीं कुछ भी। एंड नो हॉन्किंग, नो कमिंग आउट ऑफ द कार, आराम से चलो। कुछ दिख गया तो दिख गया, नसीब में, नहीं तो चुपचाप। देखिए सन्नाटा, देखिए जंगल का सन्नाटा, आवाज़ में खौफ है यहाँ के सन्नाटे में, एक खौफ है। फट भी रहा है लोगों का, लेकिन ठीक है, थोड़ा एडवेंचर थोड़ा सा तो बनता है कभी। मैं 2 साल से यहाँ आ रहा हूँ, 7-8 बार आ चुका हूँ। आई हैड प्लान एवरी टाइम, लेकिन मैं कभी भी नहीं कर पाया था। एंड दिस टाइम वी डिसाइडेड कि चलो करते हैं, बिकॉज हमारे साथ रवि भाई हैं एंड ही इज़ वेरी फैमिलियर ऑफ दिस जंगल। द मेन प्रॉब्लम इज़ यहाँ पे अगर आप स्टक होते हो तो देर इज़ नो कम्युनिकेशन, 0 कम्युनिकेशन, एब्सोल्यूट 0, नो इंटरनेट, नो GPS, नथिंग वर्क्स हियर। तो ये कम्प्लीटली जो है डिजिटल डिटॉक्स जोन है, तो इस ये बहुत बड़ा एक यहाँ पे इशू है, इसलिए करना नहीं चाहिए नाइट ड्राइव्स। बट क्योंकि हमारे साथ यहीं के आदमी हैं जिनका घर ही यहीं पे है पास में, तो ही नोज इन एंड आउट रास्ते, एटलीस्ट तो सब जानते हैं, बाकी कुछ जाने या ना जाने। तो थोड़ा चलते हैं, थोड़ा अंदर देखते हैं, कुछ और नसीब में होगा तो आपको भी दिखाते हैं। एक यहाँ गाड़ी दिख रहा है, देखते हैं। हाँ देखिए, एक छोटा सा घर है यहाँ पे जंगल में, तो हमें किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, ऐसे नहीं हो लोग को कुछ प्रॉब्लम हो। आगे एक ब्रिज है, देखते हैं ब्रिज के बाद, तो मैं फिर से दिखाता हूँ कुछ दिखता है। अब अभी देखिए किस तरह का टेरेन में हम लोग इन कर रहे हैं, जंगल में ही है अभी भी। एक बंजर घर है छोटा सा टूटा हुआ, दुकान टाइप का, देखते कुछ दिख गया तो यार काफ़ी डेंस है फॉरेस्ट अगर आप देखो तो। रोड्स भी ख़राब है यहाँ पे, तो हम लोग फ्रंट में हैं, मतलब फर्स्ट व्हीकल हमारी है जिसमें हमारे साथ हैं यहाँ के लोकल। तो थोड़ा सा बेनिफिट हमारे पास है कि कुछ भी दिखता है तो हमें सबसे पहले दिखता है। जैसे कि उल्लू दिखाता भी ऑल, तो वो तो सबको दिखा मेरे ख्याल से, मैंने रोका भी था एंड हाथ से लोगों को बोले भी देखो यहाँ बगल में है। देख सकते हैं किस तरह का जंगल डेंस होता जा रहा है। आगे भाईसन कहाँ पे, कहाँ पे दिख रहा है? ओ वाओ, देखो आँख दिख रहा है दूर में, वाओ देखो आँख एक चमक रहा है किसी जानवर का। थोड़ा पास जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं। लाइट कम करूँ क्या? लो बीम रखा हूँ शायद, ये बोल तो रहे हैं कि हाँ भाईसन आँख ही है ना वो पक्का, या लाइट ऑफ करके देखो। नहीं वो लाइट है मेरे ख्याल से, नहीं है, रिफ्लेक्ट हो रहा था कहीं से, सॉरी गाइस, मुझे लगा बाइसन है लेकिन दिख सकता है।
नहीं उधर से वही सही दिखा मेरे को। देखो देखो ऐसा फॉरेस्ट है। अच्छा ये रिफ्लेक्टर था इसके, रोड का रिफ्लेक्टर था उसी से। हाँ इसी तरह बाइसन का भी दिखता है ना। स्टिल जाना है? हाँ ठीक है। देखिए एक रोड इधर भी जाती है, इसमें हम लोग नहीं जा रहे, हो सकता है रॉन्ग टर्न हो जाए वो हमारा लाइफ का, तो वी आर नॉट डूइंग दैट। एंड टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 12, आप देख सकते हैं 11:35 हो चुका है। काफ़ी खौफ एकदम है, जंगल के सन्नाटे को सुनिए, ऐसा लग रहा है कभी भी शेर आ सकता है। देखता हूँ जानवर आएगा तब मैं दिखाता हूँ, नहीं तो ब्लॉग लंबा हो जाएगा उतना एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारी ऑलरेडी लगी पड़ी है, मतलब थोड़ा सा डर भी लग रहा है हम लोग को। फट रहा है ना? देखिए अभी भी हम लोग जंगल में तलाश कर रहे हैं। अभी देखिए 12 बजने वाला है। एक और एक्चुअली जानवर दिखा बीच में, लेकिन वो जब तक हमने वीडियो ऑन किया तो क्रॉस कर गया लेफ्ट से राइट, पता नहीं कोई भैंसा टाइप था, बाइसन बोलते, बट बहुत फास्ट था एक्चुअली, थोड़ा सा दूर से दिखा। होता क्या ना, जब आप रात जंगल में चलते हो ना तो लाइट्स वाइट देख के थोड़े एनिमल्स भी ना पहले भाग जाते हैं, अगर रोड पे होते भी तो हम लोग दूर से अब तक देखे ना कि कुछ है, तब तो वो रोड क्रॉस करके भाग के जंगल में घुस गया राइट साइड। उसके बाद तो हमें दिखा नहीं है, फिर तो वीडियो बनता नहीं, इसलिए मैंने बिना बनाया नहीं। पहले जब कुछ वहाँ पर साइन ही नहीं बच गया था तो वीडियो क्या ही बनाते। बट अभी हम लोग गोवा की ओर बेसिकली बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट गोवा के बॉर्डर के आसपास हम लोग हैं, मतलब गोवा जो स्टेट है वहाँ का, मेन गोवा तो यहाँ से थोड़ा दूर है, बट दिस रोड यू नो लीड्स टुवर्ड गोवा। तो कुछ अगर दिखे और इतना टाइम मिले कि मैं रिकॉर्ड भी कर सकूँ, अब ऐसा है कि यहाँ कुछ फिक्स होता नहीं कब दिखेगा नहीं दिखेगा, तो मैं वीडियो भी पूरा कैप्चर तो नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि जब कुछ दिखे दूर से मैं तुरंत वीडियो ऑन करूँ, लेकिन एटलीस्ट 10-15 सेकेंड का भी टाइम दे हमको जानवर महोदय तो मैं ज़रूर करूँगा, इफ नॉट अगर तुरंत भाग जाता है तो फिर नहीं होगा। तो देखते हैं फिर से कि यहाँ पे हाथी वगैरह एनिमल क्रॉसिंग है, एंड राइट साइड अगर देखोगे तो देखो क्या है, कैसल रॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कनाडा में लिखा हुआ है, कैसल रॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अभी हम लोग कैसल रॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कर चुके हैं, और इधर हाथी भी है सुनते हैं, मतलब इस जंगल में हाथी भी पाया जाता है काफ़ी, तो डर का जो माहौल है बढ़ता जा रहा है जितना हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं जंगल का। एंड देखते हैं कुछ दिखता है आपको जरूर दिखाते हैं। देखिए जंगल कितना डेंस है इधर। अब ये भाई हमें एक और साइड ले आया है, आपको चेक पोस्ट दिखाने में भूल गया था लास्ट वीडियो में, एक पुलिस चेक पोस्ट था जहाँ पे राइट इट वाज गोवा एंड लेफ्ट इट वाज, जहाँ पे बैरिकेडिंग तो किया हुआ था, थोड़ा सा उठा हुआ था, हल्का सा हाफ ओपन था, अंदर घुसने का था जगह। तो अभी अंदर आए हम, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपका जंगल और भी डेंस होता जा रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे और भी डेंस होता जा रहा है, बोल रहे हैं कि इधर चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोग भी आज मतलब एक जिद ले लिए हैं कि कुछ ना कुछ देखना है। अब देखते हैं फिर, जानवर अगर दिख दो सामने रोड पर दिख जाता ना तो बड़ा ही मज़ा आता। डेंस फॉरेस्ट में घुसें कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, बट होपफुली रोड तो अच्छा है, रोड देख के ही घुसें, रोड थोड़ा ढंग का था, हालांकि इधर जो है मूवमेंट बिल्कुल नहीं है लोगों का, हम ही लोग हैं बस। एटलीस्ट जानवर नहीं भूत भी दिख जाते हैं तो कुछ ना कुछ मैं दिखाता आपको ज़रूर आज, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए इसमें फटे। बट ट्रस्ट मी यहाँ तो बाइक तो अलाउड नहीं है, इसीलिए अलाउड नहीं क्योंकि ये बहुत ही रिस्की जोन है जहाँ भी हम लोग चल रहे हैं, एंड एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, जंगल कैसे भी वही रूल होता है, हर चीज़ सरप्राइज है यहाँ पे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी सरप्राइज़ को मैं एटलीस्ट कोशिश कैप्चर कर सकूँ थोड़ा बहुत भी, कर एक दो सरप्राइज़ मिले और जो कैमरा में कैद हो जाए, चाहे वो इंसान का कुछ हरकत हो या जानवरों का हो या भूत का हो, साला कुछ तो कैप्चर हो जाए भाई। देख रहे हैं कैसे खतरनाक इलाका है। नेटवर्क क्या था? उल्लू था ना, शेट यार उड़ गया यार। फिर जो कुछ स्पॉट हुआ था एक बर्ड यार उड़ गया, ये तो मैं कैमरा ऑन किया, यही होता है मैं कैमरा बंद कभी फिर रिकॉर्ड कर ही रहा था, जैसे मैं बंद किया 10 सेकेंड में दिखा उड़ गया। जंगल देखिए सोच रहे बंद करूं कि ना करूं, कैमरा बंद करता हूं तो हट जाता है और जब कैप्चर करता हूं तो कुछ दिखता नहीं है, गुस्सा भी आ रहा है। रात
रात देखिए 1:30 बजने वाला है, 1:30। सामने देखा चेक पोस्ट, हम लोग इधर से एक्चुअली अंदर आ गए थे। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड जोन है जहाँ पे भी हम अंदर आए थे। थोड़े डेप्थ गए हम लोग इसमें, थोड़ा सा अंदर तक गए, लेकिन फिर मुझे लगा कि ज़्यादा सेफ़ नहीं है बहुत भी अंदर जाना, क्योंकि रात भी गहरी होती जा रही है। अब देखते हैं टाइम, हम लोग निकले थे 11:30 के आसपास, अभी 1:30 होने चला है। एक्चुअली 12:30 होने चला है, 1:30 नहीं। ये चेक पोस्ट था, हम लोग इधर से आए थे। यहाँ पे देखिए डबल चेक पोस्ट है, यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है, यहाँ कोई है नहीं। देखिए हमारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे और दो पीछे। तो अभी जो है लक आजमार है फिर से रिटर्न। हमारा किस्मत ऐसा है, हमने जब जब सफारी वगैरह किया ना तो हमेशा रिटर्न में दिखाया जानवर, आते वक्त कहीं नहीं दिखाया। देखते हैं अगर हमारा किस्मत होगा तगड़ा तो रिटर्न में कुछ दिख सकता है, कहीं ना कहीं अपने प्रॉपर्टी के पास भी दिख सकता है कि नहीं। मैंने वहाँ कई बार जानवर दिखाया रात में। तो देखिए यहाँ बाइसन का फ़ोटो लगा हुआ है, देख रहे हैं इधर बाइसन दिखता है। देखिए बाइसन फ़ोटो में फ़िलहाल देख लीजिए, और अगर दिखना होगा तो रियल में भी दिखा देंगे। ये छोटा सा ब्रिज है, काली रिवर ही है क्या ये? हाँ, इतना चौड़ा होगा तो काली रिवर हो सकता है। चलते हैं थोड़ा आगे, चलते हैं फिर देखते हैं। देखिए अभी हम लोग और डेप्थ में जा रहे हैं, जंगल के अंदर में एक और छोटा सा रास्ता था जो अंदर की ओर जाती है। इधर कुछ बोर्ड लगा हुआ था तो हमने सोचा अगर यहाँ कुछ दिख जाए तो लेट्स सी। देख रहे हैं कैसा जंगल, यहाँ पे भी डेंस है काफ़ी, रोड भी ख़राब है। इधर देखिए कैसा है, एंड यहाँ देखिए, तो देख रहे हैं कैसा नैरो रोड है। तो यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं कुछ अगर दिख जाए कहीं तो बढ़िया है। ये कितना कितना क्लोज है जंगल, यहाँ पे स्पेस बस गाड़ी जाने का ही है, उससे ज़्यादा जगह ही नहीं है। कहीं भी कोई भी जानवर कभी भी अटैक कर सकता है। पीछे हमारी दो गाड़ियाँ और हैं और सब धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, देखिए 10-15 की स्पीड से। थोड़ा डरे हुए भी है कि अचानक इतना पास में कुछ जानवर अगर आ गया तो अटैक भी हो सकता है। इवन जोर से बात भी नहीं कर रहे हैं। देखिए कुछ अगर दिख जाता है तो अच्छी बात है, होपफुली। देखिए ऑफ लोकेशन में घुस रहे हैं थोड़ा, वज्रा वाला हाँ उधर। देखिए थोड़ा सा और डीप जा रहे हैं ऑफ करते हुए, 1 बजने वाला है रात भी। एंड देखिए रास्ता कैसा है, कहीं कुछ दिख जाए बस ये ब्रेक कर रहे हैं, दिख जाए मतलब सेफली सेफ्टी के साथ, ऐसे नहीं कि हमारे ऊपर अटैक हो जाए। क्योंकि देखिए इधर भी रास्ता भी ख़त्म हो गया है, बड़े छोटा सा रिस्क ले रहे हैं कि कहीं कुछ दिख गया तो दिख गया। खराब है, अब सोचो कि अगर यहाँ पंक्चर हो जाए, इतना डेंस जंगल में आकर के हम लोग कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, ना नेटवर्क है ना GPS है, रात के 2 बजे। लेकिन वही है कि ग्रुप में है तो सेफ है, अगर पंक्चर भी हो जाता है बदलना पड़ता है तो एटलीस्ट 2 गाड़ियाँ हैं, लाइट जला सकते हैं, इतने लोग हैं, कवर फायर दे सकते हैं, जानवर उनवर आए उसके लिए लाइटर से आग जला करके रगेज सकते हैं। तो थोड़ा आराम से चलते हैं, फिर जो है बताते हैं जब आगे पहुंचेंगे तो क्या। दोस्त लोग अभी हो गया बहुत, हम लोग भगा के जल्दी से आए, सेम रूट में कुछ दिखा फिर से नहीं तो हमने उसको नहीं दिखाया। देखिए हमारी गाड़ी यहाँ पार्क है, एंड बच्चे लोग पता नहीं लगता यहाँ थे, मैं छोड़ के गए थे, शायद सो गए हैं। मतलब दिखा जानवर नहीं, लेकिन काफ़ी एडवेंचरस रहा और मज़ा आ गया, डर भी लगा काफ़ी बट काफ़ी मज़ा आया। पहुँच गया फाइनली रिसोर्ट, निकलते हैं फिर से दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह के जो है अलग अलग टाइप का एडवेंचर जो है किया जाएगा जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा। क्या बोलते शुभम भाई? हाँ भाई। तो कैसी रही ड्राइव, नाइट ड्राइव? जबरदस्त। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या फील हुआ? काफ़ी खतरनाक, गाड़ फट गई साला। ये जो बोले हैं इनका फट गई, क्या फट गई वो नहीं बोल सकता हूँ बट फटी है सही में। अक्षय कैसा रहा, कैसा हाउ वाज एक्सपीरियंस नाइट ड्राइव का? एक्चुअली इट वाज वेरी अन
unbelievable. We expected something to see, but we saw. At least the drive was very beautiful. Drive was good, no? Yeah. Thank you. Milte hain fir.